आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष है क्या चीज। भाद्रपद महीने में जो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिनों का समय होता है, उसे पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष बोला जाता है। इन दिनों में आपके पितर आपके घर आते हैं, कुए के रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, किसी संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या किसी भिखारी के रूप में। वो किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, आपसे भोजन मांग सकते हैं, आपसे जल मांग सकते हैं। तो समझना कि आपके भाग्य खुल चुके हैं, आपका भाग्योदय हो चुका है। इस समय आप जीतने की कगार पर हो, आप जीत जाओगे। पितृपक्ष, सभी पितर एक बार इकट्ठा होके पितृपक्ष की कथा, सभी पितर एक बार इकट्ठा होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि आपने सभी देवताओं के लिए कोई ना कोई समय निश्चित किया है, हमारे लिए भी तो कोई समय निश्चित करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष है या पितृ पक्ष है, उन दिनों में आप घर जाइए, अपने अपने घर जाइए, जो भी आपका आपको अच्छा लगे, आपका मन करे, वो काम करिए। इन 16 दिनों में पितर आपके घर आते हैं, आपके घर में भोजन ग्रहण करते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब पितृपक्ष की कथा क्या है। एक बार दो भाई थे, एक का नाम था बड़े का नाम था भोगी, छोटे का नाम था जोगी। बड़ा भाई, दोनों की शादी हो रखी थी। बड़ा भाई, उसके पास पैसे ज्यादा थे, अहंकार था उसे इन चीजों का, उसकी पत्नी को भी अहंकार था। जब श्राद्ध पक्ष लगा, पितृपक्ष आया, तब दोनों ने बातें की कि श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, काम कौन करेगा, मैं तो काम नहीं करूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, ना मुझे भोजन बनाया जाएगा, लेकिन हाँ, श्राद्ध पक्ष में हम अपने रिश्तेदारों को भोजन करेंगे, उन्हें जिमाएंगे, उन्हें घर बुलाएंगे और दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है। अपना रुतबा दिखाने के लिए उन्होंने ये सब चीजें की। तो क्या करें, किसको बुलाएं। तब उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम्हारे छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुला लो। वैसे भी उनके पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो गरीब थे, उन्हें बुलाओ, सारा काम वो कर देंगे, और जब रिश्तेदार आएंगे उन्हें हम भोजन करवाएंगे, उन्हें लगेगा कि इनके पास तो कुछ नहीं है और इनके पास देखो सब कुछ है। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने छोटे भाई और उसकी पत्नी को कहा कि पितृपक्ष लगने वाला है, श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, आप हमारे यहाँ सेवा करिए और फिर हम उनको भोजन ग्रहण करवाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए। आने के बाद उन्होंने सारा काम कर दिया, सारा भोजन उन्होंने तैयार किया, सब कुछ उन्होंने तैयार किया, सारी उन्होंने तन की सेवा की, मन की सेवा की। उनके पास धन तो था ही नहीं, मन और तन की सेवा कर दी उन लोगों ने, सच्चे दिल से सारा भोजन इत्यादि तैयार किया गया, सब कुछ तैयार किया गया। उन लोगों ने फिर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। अब मजे की बात तो ये थी कि सबसे पहले जो भगवान को भोग लगाया जाता है, यानी कि पितरों का भोग लगाया जाता है, पितर देवता, पितर भगवान के समान होते हैं पितर देवता, उन्होंने पितरों का भोग लगाने की बजाय सबसे पहले उन परिवार वालों को ही भोजन करवाना शुरू कर दिया। इस चक्कर में कि हम कितने पैसे वाले हैं, हमारा रुतबा क्या है, हमसे ऊपर कोई नहीं है। जब उस छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने ये सब दृश्य देखा, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वहाँ भोजन ग्रहण ही नहीं किया, वो वहाँ से चलकर वापस अपने घर आ पहुँचे। और उन जो बड़े भाई थे, उन्होंने रोका भी नहीं, क्योंकि उनका तो काम निकल चुका था, जाने दो इनको। अब जब पितर वहाँ पहुँचे कि हाँ आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो देखा पितरों ने दिया, तो हमसे पहले तो इसके जितने रिश्तेदार थे भोजन कर रहे हैं, हमारी तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं, हमें तो यह हमारे लिए तो अलग से भोग निकाला ही नहीं गया, अब क्या करें। दो पितर थे, उनके दोनों ने बातें की कि अब क्या करें, कैसे करें। तब उन्होंने कहा कुछ नहीं, चलो चलते हैं, चलो नहीं, छोटे बेटे के पास चलते हैं, हो सकता है वो कुछ सेवा कर दे। एक ने कहा कि वो, अरे वो तो गरीब हो गया, कोई नहीं, चलो चलते। जब वो उसके घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जो छोटा लड़का था वो कहीं कुछ मांगने के लिए गया हुआ था कि कहीं से कुछ मिल जाए तो मैं पितरों के लिए कुछ ना कुछ करूं। लेकिन घर में जो उसकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि हे पितर देवता, घर में थोड़ा सा गुड़ है, आप इसी का स्वीकार कर लीजिए। उसने पूर्वजों के लिए, यानी अपने पितरों के लिए, थोड़ा सा गुड़ रख दिया और जल रख दिया, जल का छिड़काव किया। पितरों ने कहा अहो भाग्य, पितरों ने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे ही आर्यमा स्वामी आए, पितर उसके साथ बैठकर पितरलोक में चले गए। उन्होंने जाकर विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, बड़े बेटे को पैसे का अहंकार है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपना पैसा दिखाने के लिए सब कुछ किया है, और छोटे बेटे के पास इसमें पैसा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा गुड़ था उसने हमें दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अब आप करुणा करिए उनके ऊपर। तब श्री नारायण भगवान की करुणा से ऐसी करुणा हुई कि रातों रात ठाकुर जी ने जो उनका धन था वो सारा उनको दे दिया, यानी कि उनके हर काम में उसी दिन उसी रात से बरकत शुरू हो गई, और जो करोड़पति थे वो रोड़पति की कगार पर चलने लगे। धीरे धीरे उनका सब कुछ खत्म हो गया और धीरे धीरे उनके हर काम में बरकत होने लगी। ये होता है पितर दोष। वो जो बड़ा भाई था भोगी, वो कोई और नहीं, वो हम खुद हैं।
हम लोगों को दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, कभी यहाँ से तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने हमेशा यहाँ से किया। लोग देखेंगे, ओ ये तो श्राद्ध निकालता है, ब्राह्मणों को जिमाता है, ब्राह्मणों को 500, 1000, 1100, 2000 दान भी देता है, वो नहीं पहुंचता जो यहाँ से बैठे हैं। उनके तो गुड़ भी स्वीकार कर लिए जाते हैं, उनके तो चावल भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब बात आती है कि जो लोग अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते, तर्पण नहीं करते या श्राद्ध पक्ष में पूजा नहीं करते, उनके साथ क्या होता है? जो भी लोग ये सब कुछ नहीं करते, आप लोगों के पितर आपके घर में पक्के आएंगे इन 16 दिनों में। जब वो आएंगे, सबसे पहले पितर कहाँ जाते हैं? सबसे पहले पितर जाते हैं बड़े बेटे के घर में। बड़े बेटे के घर में जाकर देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है, वो आशीर्वाद दे देते हैं। अगर लगता है यहाँ तो हमारी कोई पूजा ही नहीं, क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं भाई, हमें क्या लेना देना पितरों से। वहां कुछ नहीं मिलता, फिर अन्य बच्चों के पास जाते हैं। बेटों के पास कुछ नहीं मिलता, फिर वो लड़कियों के पास जाते हैं जहाँ उनकी शादी हो रखी है। अगर वहाँ कुछ मिल जाता अच्छी बात है, नहीं मिलता तो वहाँ से भी वापस चले जाते हैं। जब पितर वापस खाली हाथ पितर लोक में पहुँचते हैं, तब सभी पितर वहाँ बैठकर बातें करते हैं, मुझे हलवा खीर पूरी इत्यादि सब कुछ खाने को मिला। तो उस समय आपके पितर जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, जो बिल्कुल भूखे हैं, उस समय वो लज्जा महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं उन पितरों के सामने कि आज हमारे बच्चों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, हमने सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया, आज उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो लज्जा महसूस करते हैं। यही नहीं, जब उन्हें भूख लगती है तो जो पितर जिन्हें अच्छा भोजन मिला था, जब वो थूकते हैं तो उनका थूक आपके पितरों को चाटना पड़ता है। इससे बुरी बात, इससे शर्मिंदगी की बात आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती कि वहां पितर लोक में बैठ के आपके पितर जो कि करके राजा हैं, जो राजा हैं, उन राजाओं को आपने थूक चाटने पर मजबूर कर दिया, आपने कर दिया, आपने। मुबारक हो आप बर्बादी की कगार पर हो। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये क्यों क्या लिखते हो, कटोरा दे देंगे। सच लिखता हूँ, हर एक बात सच है, क्योंकि मैं कभी किताबों से नहीं पढ़ता, मुझे मेरे पितर देवताओं ने बताई है ये बात। मैंने कभी किताबों से नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा लिखा, नहीं है मेरे पास किताबें। पढ़ा लिखा का मतलब मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ब्राह्मण हूँ। अगर आपको लगे ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, अगर इस शरीर की अगर जाति देखी जाए तो मैं जाट हूँ, मुझे नहीं पता, वेद शास्त्रों से दूर हूँ, लेकिन मुझे मेरे पितरों ने बताया है, दिखाई देते हैं मेरे पितर मुझे, इस शरीर पर सवारी करते हैं वो। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, मुझे बताते हैं वो लोग। एक एक चीज मुझे दिखाई देती है, हर नेगेटिव एनर्जी मुझे सामने खड़ी दिखाई देती है, हर पॉजिटिव एनर्जी को हम देख सकते हैं। जिस जब भी किसी भी मंदिर में किसी भी धाम पर जाता हूँ ना, वहां अलग से दिखाई देता है कि यहाँ क्या चीज है, यहाँ किस चीज की पूजा है। जुबान से जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे रखा है, पितरों ने आशीर्वाद दे रखा है, बाबा श्याम ने आशीर्वाद दे रखा कि दाई ने हाथ से कुछ भी दे दोगे सिद्ध हो जाएगा, मुंह से कुछ भी बोलोगे सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कम से कम बोलते और आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से मिलते होंगे, नहीं, हम किसी से नहीं मिलते, हम लोगों को कुछ भी नहीं बताते, कहीं गलती से मिलने का प्रयास मत कर लेना हमसे, हम किसी से भी नहीं मिलते हैं, किसी को हम कुछ भी नहीं बताते सिवाय वीडियो के। अगर आप भी इन सब चीजों से छुटकारा चाहते हो तो पितरों के ऊपर सीरीज शुरू कर रखी है, उसकी काफी वीडियो आ चुकी है, जो नीचे प्लेलिस्ट के रूप में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर दूसरा कोई रास्ता है तो ढूंढ लीजिए, यहाँ मत आया करो, हम झूठे व्यूअर जोड़ने के चक्कर में नहीं है। ये होता है, पितरों को अगर आपने कुछ नहीं दिया तो वो थूक चाटेंगे आप लोगों के कारण, और फिर वो आप लोगों को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि पितरों के बगैर कोई भी देवी देवता घर में नहीं आ सकता। अगर आप घर में बाबा श्याम बाबा हनुमान की पूजा करते हो, पितरों को आप पूछते नहीं, घर में आप गुरुजनों का नाम लेते हो कि मैंने तो गुरु धारण कर रखा, मुझे पितरों की, सब झूठ है, सब पाखंड है, सब दिखावा है। पितरों के बगैर कोई भी गुरु, कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं आएगा किसी भी हाल में। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और पितृपक्ष का महत्व क्या आप लोग समझ चुके होंगे। जय श्री श्याम।